कि लाखों की संख्या में मां भारती की संतानें ट्विटर पर ट्वीट करती रही कि रेलवे की जो परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आ गए हैं सहायक लोको पायलट की, उसकी ज्वाइनिंग का संकल्प हो जाए। द रेवल्यूशन वॉज ट्वीटेड। मंत्री जी ने संकल्प पत्रक पर पुष्प अक्षत तो दूर बयान तक नहीं दिया कि चिंता ना करो मां भारती की संतानों, हमारे रहते ज्वाइनिंग हर हाल में होगी। उन्हीं का एक पुराना बयान था संसद में कि उनकी सरकार के रहते रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। रेलवे की एनटीपीसी की परीक्षा के फॉर्म भरकर अपनी बेरोजगारी का हरण करने का प्रण लिए बैठे नौजवान मंत्री जी से परीक्षा की एक तारीख की घोषणा ना प्राप्त कर सके। ट्विटर पर भारत के नौजवानों की इतनी बड़ी हार कभी नहीं हुई थी। जिस ट्विटर और फेसबुक से न जाने कितनी चुनावी जीतों को मैनेज किया गया दुनिया में, उस ट्विटर पर अपनी हार को भारत की ये जवानी अपनी कहानी कहां लिखेगी। प्रियंका गांधी की ट्विटरत राजनीति भी इनकी हताशाओं के शोर में खो जाती है। राष्ट्र की प्रगति के लिए उन्मुख छात्र विमुख रह जाते हैं, डर से लाइक बटन पर हाथ ना लगाते हैं कि कहीं निष्ठा पर प्रश्न ना हो जाए। पराजित युवाओं के लिए क्रांति फिल्म के गाने की एक पंक्ति प्रेरणादायक हो सकती है, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। प्यार का सुंदर गाना ही इंसान को सुंदर बनाता है, यू नो व्हाट आई मीन। हम सभी छात्रों ने अभी 1 सितंबर को ग्रैंड वोटर कैंपेन आयोजित किया था। एसएससी सीजीएल 2018 टीआरसी डिस्क्रिप्टिव पेपर के रिजल्ट के जो पेंडिंग पड़ा है पिछले 8 महीनों से उसकी तारीखों के लिए, और ये ट्विटर कैंपेन काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और उसी शाम को एसएससी के द्वारा हमें ये सूचित किया गया कि एसएससी सीजीएल 2018 टीआरसी का रिजल्ट 4 अक्टूबर को आ जाएगा। परंतु हालांकि वह ट्विटर कैंपेन जो उसका उद्देश्य था उसकी पूर्ति करने में वह सफल रहा, परंतु इसके अतिरिक्त छात्रों की एसएससी से कई सारी मांगें अभी भी शेष हैं, जैसे रैंक लिस्ट का मुद्दा, जैसे वेटिंग लिस्ट का मुद्दा, तथा एसएससी में एक ऐसी अथॉरिटी हो जिसके द्वारा छात्र अपनी समस्याएं अपने ग्रीवेंस से डायरेक्टली उस अथॉरिटी तक रख पाएं और एसएससी उनको टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कर सके। बच्चा एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद इंतजार करता रहता है कि कब मेरी एग्जाम होगा, एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो पूरा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जो इसको सॉल्व करने का एक प्रयास है वो है आपका स्पीकअप कैंपेन, और इसके थ्रू ये मांग की जा रही है कि परीक्षा व्यवस्था में इस तरह का सुधार किया जाए कि समयबद्ध तरीके से परीक्षा हो, और अगर समयबद्ध तरीके से परीक्षा नहीं हो रही है तो जो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाए, ताकि एक इंटेंट दिखे सरकार का कि बच्चों को वाकई में सरकारी नौकरियां देनी है और वो इस एग्जाम्स की मन से तैयारी करें, ना कि इस पे चिंतित रहें कि हमारा कितने साल बाद ज्वाइनिंग होगा। अतः ट्विटर पर युवाओं का ट्रेंड आंदोलन फेल ही कहा जा सकता है। ट्विटर पर जनकल्याण हेतु सर्वसुलभ मंत्री जी ने बयान नहीं दिया। छात्र आ से आश्वासन ना पाकर ह से हताश हुए होंगे। सहायक लोको पायलट की भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2018 में निकला था, आज तक भर्ती पूरी नहीं हुई, ज्वाइनिंग नहीं हुई। अप्रैल 2019 में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का फॉर्म भरकर छात्र बैठे हैं, तब से कुछ तो कहना चाहिए मंत्री जी, है कि नहीं। अब आपको फिर से फ्लैशबैक में ले चलता हूं, जिसे हिंदी में पूर्व दीप्ति कहते हैं। वंस अपॉन ए टाइम साल 2017 का था, महीना अक्टूबर का। मंत्री जी ने कहा था कि रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख नौकरियां बन जाएंगी, उस दिशा में काम कर रहे हैं। 10 लाख, इधर 1 लाख की भर्ती का पता नहीं। बयान में स्पष्ट रूप से कहा था कि रेलवे में भले सीधे तौर पर ना मिले इतनी नौकरियां, लेकिन रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। रेलवे में होने वाली सीधी भर्ती का तो हिसाब दे ही सकते थे मंत्री जो थे। विदित है कि अगले 1 साल के लिए रेलवे ने नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। कौन यह प्रश्न पूछे कि हम कैसे जांचें कि रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख में से कितनी नौकरियां बनी हैं? या ये बयान भी जीडीपी वाला बयान की तरह था? रेलवे के अफसर और कर्मचारी प्राइम टाइम कहीं छिपकर तो नहीं देखते हैं? आई मीन जस्ट आस्किंग बड्डी, डोंट वरी, आई कैन सी द टाइम वी आर लिविंग इन। संस्कृत तत्सम हिंदी, हिंदी उर्दू और अंग्रेजी का लुत्फ एक प्राइम टाइम में, माय माय। बचा ही क्या है देखने को, और देखकर करना भी क्या है। कथा आगे बढ़ रही है, जजमान नागरिक अब जजमान ही तो है, अब जनार्दन नहीं है। ऐसी सूत्र पंक्तियां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को जीवन बिताने के बाद मिलती है। मैं अपनी तारीफ में क्या लूं?